नागालैंड के डीमापुर में इनर लाइन परमिट को लागू कर दिया गया है। नागालैंड की वाणिज्यिक राजधानी कहे जाने वाले डीमापुर शहर में अब एक बार फिर से इनर लाइन परमिट का मुद्दा गरमाया हुआ है। नागालैंड सरकार ने दरअसल कुछ दिन पहले ही एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद गैर जनजाति लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। खास तौर पर रोजाना अपने विभिन्न कामों के लिए डीमापुर आने जाने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। डीमापुर को नागालैंड की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। इस फैसले से व्यापारियों का व्यापार प्रभावित होने की पूरी संभावना है। डीमापुर में न केवल नागालैंड के लोग बल्कि भारी संख्या में बाहर के लोग अपने कई कार्यों से आते हैं। खासकर पड़ोसी राज्य असम के सीमावर्ती लोग डीमापुर में बेहतर इलाज के लिए आते हैं। इसके अलावा बाजार हाट के लिए भी लोग रोजाना लाखों की संख्या में डीमापुर पहुंचते हैं। नागालैंड सरकार की ओर से 19 अप्रैल 2023 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि नागालैंड के डीमापुर जिले में प्रवेश करने वाले प्रत्येक गैर स्वदेशी व्यक्ति के पास इनर लाइन परमिट ILP होना अनिवार्य होगा। इस अधिसूचना में साफ साफ तौर पर यह कहा गया है कि अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के भीतर अगर कोई इनर लाइन परमिट नहीं लेता या इसे दिखाने में विफल होता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। आइए अब आपको बता दें क्या होता है इनर लाइन परमिट। आसान भाषा में समझे तो यह एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह भारतीय नागरिकों को देश के अंदर किसी संरक्षित क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए यात्रा की अनुमति देता है। इसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के आधार पर लागू किया गया था। यह अधिनियम पूर्वोत्तर के पहाड़ी आदिवासियों से ब्रिटिश हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ब्रिटिश लोग नागरिकों के संरक्षित क्षेत्रों में प्रायः घुसपैठ किया करते थे। इसके तहत दो समुदायों के बीच क्षेत्रों के विभाजन के लिए इनर लाइन नाम की एक काल्पनिक रेखा का निर्माण किया गया, ताकि दोनों पक्षों के लोग बिना परमिट के एक दूसरे के क्षेत्रों में प्रवेश न कर सके। इनर लाइन परमिट व्यवस्था में अपवाद के तौर पे कुछ श्रेणी में शामिल होने वाले व्यक्तियों को ILP की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे 21 नवंबर 1979 के बाद डीमापुर में प्रवेश करने वाले गैर मूल निवासी जिन्होंने इस संबंध में उप अधीक्षक से प्रमाण पत्र हासिल किया हो। दूसरे वे लोग जो गैर मूल निवासी हैं, जो अपनी यात्रा के दौरान डीमापुर से होकर गुजर रहे हों तथा उनके पास कोई वैध दस्तावेज न हो। बहरहाल नागालैंड की स्थितियां इन दिनों सामान्य नहीं है। व्यापारी वर्ग में बेहद आक्रोश का माहौल है और बाजार एकदम ठंडा पड़ा हुआ है।